Skip me, Balenciaga, yeah. Balenciaga, skip me, Balenciaga, Balenciaga. तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम खेलने वाले हैं एक बैटल रॉयल और मेरे साथ खेलने वाले हैं हसन। तो देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। हम पहले इससे पहले काफ़ी टीडीएम मैच खेल चुके हैं, लेकिन अब डिसाइड हुआ है कि हम लोग एक बैटल रॉयल मैच खेलते हैं। और मेरे साथ खेलने वाले हैं हसन, जिनका लेवल है 113 और मेरा लेवल 32। और ये दो बंदे जो हैं वो रैंडम हैं और हम खेलने वाले हैं स्क्वाड के अंदर। चेक करते हैं कि किस तरह के एनिमीज होंगे और कैसी फाइट होगी। अब हमने ये देखना है कि हमें उतरते ही सबसे पहले कैसी गन्स मिलती हैं। हमारी पहले कोशिश ये होगी कि हमें अच्छी गन्स मिलें, और अच्छी गन्स जितनी हमारे पास अच्छी गन्स होगी उतना ही अच्छा खेल सकते हैं। तो जी, दो एनिमी मुझे मारने के लिए आ गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एनिमीज की जो निशानी होती है कि उनके जो उन्होंने सूट पहना होता है ना, उसमें से रेड लाइट निकल रही होती है, जिसकी वजह से हम उनकी डिटेक्शन करना इजी होता है। मैं तो मेडिकल लूँगा, तो मेडिकल का बहुत फ़ायदा होता है। इसमें होता है कि अगर एक इसकी पावरफुल होती है और अगर हम एक मेडिक फील्ड बना दें, तो अगर हम उसमें रहेंगे तो हमारी पावरफुल ही रहेगी, हमारी जो हेल्थ पावर है। तो अब हम उतरने वाले हैं। आज की हसन और हम एक साथ ही उतरेंगे, बाकियों का मुझे पता नहीं है। मुझे पता था ये दो लोग जो थे वो पहले उतर गए, नंबर 2 और नंबर 4 वो पहले उतर गए हैं। अब मैं हसन उतर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम एक साथ रहें और एक साथ ही इसको एक साथ हम इसको सफाई करें। थोड़ी सी गेम जो है मैंने वो स्टिल की है। असल में ये इशू आ रहा है इनके जो एमुलेटर के अंदर इशू आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक मोबाइल गेम है। तो थोड़ा बहुत इसमें भी अब इस गेम के अंदर थोड़े से ग्लिच भी हैं और इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उसको ठीक कर रहे हैं। ओके, ये मुझे गन मिल गई है, ठीक है। ये गन भी ठीक, टाइप 25। सही है, तो मुझे एनिमीज फायरिंग हो रही है। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि कहाँ पे एनिमीज हैं। ओके ओके ओके, मुझे लगता है इस घर में एनिमी तो होगा, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन मैं इसको क्लोज से फायर करता हूँ, देखता हूँ कि ये फायरिंग हो रही है, ये फायरिंग हो रही है। ओके ओके ओके, नज़र आ गया, नज़र आ गया, इधर कितना बंदा है ये engaging the enemies। उसको पता नहीं कि एक हसन पीछे से आया और मैं आगे से आया हूँ। ऊपर भी कोई है, एक के 117 से इसको मैंने मारा है, एक के 117 से नीचे भी कहनी है। बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ थोड़ा सा मेरा गेम यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरा यहाँ पे गेम प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, ये भी किया,
इसका नाम था, इसको मैंने किल किया है, नीली फोर। नीली फोर, अच्छा नाम ये लोग अपन ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़े के प्लेयर्स हैं। अच्छा मैं इन जगहों पे कुछ जगहों पे ना कट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना गेम का इशू आ रहा है। और इस अभी तो यही है कि मैं हंसते फंसते कहेंगे एक एनिमी आ रहा है, एनिमी आ रहा है, एनिमी आ रहा है। अच्छा कैसे भागते हुए आ रहे, कैसे भागते हुए आ रहे हैं ये लोग। जाकर देखते हैं हमें कुछ गन मिल सकती हैं और भी। मेरे पास बुलेट्स बहुत हो रही हैं तो मैं फाइंड कर रहा हूँ मुझे कहीं से बुलेट्स तो मिल गए। मैंने गन चेंज कर ली है। असल में इतनी हैवी गन था कि ये तेज़ भागता भी नहीं है तो इसमें भी इशू है थोड़ा सा, क्योंकि जो इनकी जो वार जोन गेम है ना इंशाल्लाह वो भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ वार जोन गेम प्ले। हसन का जो है वो माइक अभी ऑफ है क्योंकि उसका थोड़ा माइक इशू है, उसका भी माइक ऑफ है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में हम लोग माइक के साथ ही रिकॉर्डिंग जो है वो करें, वॉइस चैट भी ऐड करेंगे उसके अंदर। तो अभी जस्ट मेरा ही माइक ऑन है, बाकी मेरे तमाम टीम मेट्स का जो माइक लगता है मुझे ऑफ लग रहा है। अब मुझे कोई अच्छी तरह चेक करना है कि यहाँ पे कोई एनिमी तो नहीं आ रहा। मैं चौथों तरफ देख रहा हूँ। अब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे एनिमी की चलने की आवाज़ आ रही है जैसे ठीक होता है, लेकिन असल में ये आया उसको हमने ठीक टाइम पे दे दिया तो शायद वो हमें ही मार देता। हमें देखना होगा कि इसके स्कॉट के कुछ बंदे यहाँ पे और ना हो तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। वो बंदा भागा हुआ है तो खैर नहीं लेफ्ट से देखो लेफ्ट ये इसका नाम था एपो लेमेसेंटो, अजीब सा नाम है, ये अंग्रेज था जिसको अभी हमने मारा है। तो अच्छी गेम जा रही है हमारी, अभी तक 72 लोग अलाइव हैं तो हमें देखना है कि 72 का क्या बनता है। एयर ड्रॉप भी आ गया, एयर ड्रॉप हैज बीन डिलीवर्ड। हम अंदर जाके देखते हैं कि एयर ड्रॉप में क्या है। तो हसन जो है वो पहले ही भाग रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, बस देख लेना कि कोई एनिमी ना हो आसपास क्योंकि एयर ड्रॉप जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एनिमीज भी आ जाते हैं। तो एयर ड्रॉप हमारा आ चुका है, इस पर से मैं जो है स्नाइपर उठाऊँगा गन चेंज करके ना, जो क्योंकि उसमें जस्ट 16 बुलेट्स हैं तो मैं ये गन चेंज करके मैंने स्नाइपर ले लिया। अच्छा इसका ये इस स्नाइपर का अच्छा ये होगा, इसका फायदा ये है कि हमें उनका थर्मल व्यू नज़र आएगा। ये तो एनिमी तो गया, हमें उनका थर्मल व्यू अगर वो कहीं भी छुपा होगा ना, अगर वो लेटा होता है कहीं भी होता है तो हमें उनका थर्मल व्यू नज़र आएगा और उनको मारने में भी आसानी होगी। एक मैडिक फील्ड है, अगर हम जब तक इस पर रहेंगे तो हमारी पावर फुल ही रहेगी, हेल्थ पावर। तो हमें हर तरफ ध्यान रखना है कि पहाड़ों से कुछ नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, ऊपर से तो कोई नहीं आ रहा, वो एक एनिमी में आ रहा है, एनिमी आ रहा है। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे रिकॉइल जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है पर इसको हमने नहीं छोड़ा। इसका नाम था आउट फोर CKM00। बिल्कुल इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हम ये जो घर बने हुए इनमें जाके देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कुछ मिलता है तो अच्छा है। मैं और हसन साथ साथ ही हैं
जबकि हमारे बाकी जो दो टीम मेट्स हैं वो पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं, अपने अपने घूम रहे हैं। बस हमें देखना है कि एनिमीज को जितनी अच्छी हम दे सकते हैं ना, जितने अच्छे तरीके से, जहाँ पे एनिमीज फॉरवर्ड वहाँ पे अपना एम करना होगा। ठीक है, मैं देखना कि हमें बंदा कहाँ पे आ रहा है, आगे जाके देखते हैं। अच्छा मुझे ये लगा ये एनिमी है, वो रेड लाइट ऑन थी ना उसकी। अच्छा अच्छा तो सर्कल छोटा हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग सर्कल के अंदर ही हैं। इसमें ये होता है कि हमें सर्कल में ही रहना है, क्योंकि इसमें हर कुछ मिनट्स के बाद सर्कल छोटा हो जाता है। ठीक है, और अगर हम सर्कल से बाहर होंगे तो जोन हमें मार देगी। अभी तक मैं 7 बंदों को मार चुका हूँ, तो चेक करते हैं कि आगे किस तरह के एनिमीज आने वाले। अभी तो एनिमी सारे हल्के ही आ रहे हैं, कोई ऐसा एनिमी नहीं आया जो लगे कि हाँ भाई अच्छा प्लेयर है। मुझे खुद लग रहा है कि अभी तक हल्के प्लेयर ही आ रहे हैं। अभी तक हम देख सकते हैं हम लोग सर्कल के अंदर ही हैं। असल में हमारी मूवमेंट यही है कि हम हर तरफ देख रहे हैं कि जहाँ से भी हमें कहीं फायरिंग की आवाज़ आती है, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, ऊपर से व्यू लेता हूँ कि अगर ऊपर कोई है मैं नज़र आ जाएगा। हसन भी ऊपर ही आ रहा है। हसन जब तक ऊपर आता है ना तब तक मैं देखता हूँ कि और तो एनिमी आसपास तो नहीं है। मुझे एनिमी की आवाज़ तो आ रही है। ये मुझे ना अंदाजा हुआ था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा। चेक कर नीचे तो कोई नहीं, हसन ऊपर चला गया है। सर मैं भी आ रहा हूँ, वेट करो वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा ये इसमें अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे फ्लाई करते हुए ना हर तरफ देख भी सकते हैं। मज़े की बात है, मैंने अपना पैराशूट खोला ही नहीं मैं ऐसे ही नीचे आ गया। मेडिक फील्ड को अप्लाई किया मैंने, फायरिंग की आवाज़ तो आ रही है। आई थिंक हसन ने मुझको मार दिया। हाँ हसन ने इसको मार दिया, 81 सनसेट वाले को। इसका नाम था 81 सनसेट। हसन ने हाँ उसको मार दिया, ठीक हो गया। वेरी गुड गेम प्ले। तो जस्ट हम देख सकते हैं कि 39 जो लोग अभी तक अलाइव हैं। लगता है हसन फिर से ऊपर जाने लाइक। मैं भी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। फिर से पैश नहीं खोलूँगा लो भी नीचे ही आ गया। अच्छा हसन तो आगे चला गया, मैं पीछे ही रह गया हूँ, उसके पास जाकर देखता हूँ। टैंक हैज बीन डिलीवर्ड। क्योंकि इसमें हम कोशिश ये करेंगे एक साथ साथ ही रहें, क्योंकि ये जो है जगह वो बाइक वो कोई बंदा का आ रहा है, लेकिन वो एक बाइक थी। हम इसको साथ साथ ही रहेंगे क्योंकि स्कॉट्स के साथ ही खेला हमें। हसत में हर तरफ देख भी रहा हूँ कि कोई और तो नहीं यहाँ पे आ रहा, और अभी तक हम सर्कल के अंदर ही हैं। अच्छी बात है कि अभी तक हम सर्कल के अंदर ही हैं। अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा।
इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? स्नाइपर निकालूं, उसमें चेक करूं। इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? स्नाइपर स्नाइपर लगा के देखता हूँ कि इसमें ये होगा कि थर्मल व्यू नज़र आ जाएगा मुझे अगर कोई भी एनिमी हुआ तो। खैर नज़र तो नहीं आ रहा, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं तो कोई नहीं, हम क्लोज फाइट कर लेते हैं, सर को छोटा हो चुका है। और मैं जो हसन के पास जा रहा हूँ, हम साथ साथ ही रहेंगे। पीछे से जो है वो जोन भी आ रही है। इस घर में जाके देखते हैं। हसन इस वाले घर में आ जाओ। बेटा वेट कर रहा होगा उसको नहीं पता ओ एनिमी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। तो मुझे इसने मारने की कोशिश तो की थी लेकिन मैं विंडो से आ गया। एक और एनिमी यहाँ पे आसपास हमारे जो है वो मूव कर रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ उसकी मूवमेंट, चेक कर रहा हूँ कि क्या उसके मूवमेंट क्या है। जाकर देखता हूँ। आवाज़ भी अब मेरी लेफ्ट साइड से आ रही है। मुझे बस अब यही देखना है कि वो कहाँ पे होगा। यहाँ पे आने में ड्रीम डोना, जिसको हसन ने मारा है ना उसका नाम है ड्रीम डोना। वेरी गुड। दस बंदूक और ये थोड़ा सा गेम हमें तंग कर रही है। पता नहीं इसमें क्या इशू है, इस गेम के अंदर थोड़ा सा हमें तंग कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक हम सही खेल रहे हैं। मैं ज़रा सारा ओवरव्यू ले लूँ, विंडो से ले लूँ, यहाँ पर कोई और तो नहीं है। हसन भी देख रहा है वहाँ से, मैं भी चेक करता हूँ क्या कोई एनिमी और तो हमारे करीब तो नहीं है। एक एनिमी हमारे करीब आ गया। हसन एक एनिमी है। गया, मार दिया उसको, मार दिया उसको। जूपी टेक, क्या उसका नाम, अजीब सा नेम लोगों ने रखा होता है, जूपी टेक। लो जी हमारे दो बंदे तो आगे भाग गए, अब पीछे हम दोनों रह गए। अभी तक हम जोन के अंदर ही हैं लेकिन अब सब कुछ छोटा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से हसन अब हम मूव करते हैं, क्या ख्याल है? ओके, तो अब वक्त आ गया कि हम अब मूव करते हैं और सर्कल में जग जाते हैं। एक आई मुझे नज़र तो आ गया, लेकिन इसको ना मैं स्नाइपर से मारूंगा। ये नज़र तो आ गया है, इसको मैं थर्मल व्यू से मारूंगा, थर्मल व्यू से। एक ही शॉट से गया, एक ही शॉट से गया। थोड़ा सा मुझे गेम तंग कर रहा है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया।
थर्मल व्यू से ये फायदा होता है कि हमें ना एनिमी जो है वो नजर आए। तो ये होता है लास्ट एनिमी है जिसको मेरे टीममेट माने गए हैं वो भी क्या, और इस तरह से हमने ये गेम विन कर लिया। वो अच्छा मैच हुआ हमारा ये वाला। चेक कर लेते हैं कि किसने कितने बंदों को मारा। मैं तो 13 बंदे किल मारे हैं, 13 बंदे जो है मैंने किल किए हैं, और हसन ने 7, बाकी जो मेरे दो टीममेट्स हैं, एक ने 3 और एक ने 8। अच्छा गेम हुआ है।